तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं दोबारा उस प्राणी की बात करने जा रहा हूँ जिससे लोग कहते हैं मैं चलता हूँ। चलता है साला। तो जैसा कि मैंने बीबी के रोस्ट में भी कहा था, एक्साइटेड इंडियन। कितना एक्साइटेड है ना ये बंदा। ये लोग रिएक्शन के नाम पे रीअपलोड कर देते हैं सेम वीडियो और भाई तबाह के पैसे कमाते हैं। आज इनकी ही बात होने वाली है। शॉर्ट्स विल बी फायर्ड। एक बार पहले तो जल्दी से इनकी बकचोदिया निहार लो। ये जो 6 सेकंड की मैंने आप लोगों को क्लिप दिखाई है उसमें आपका ध्यान कहाँ था? बीबी की तरफ या फिर इस बंदे की तरफ? अब अगर इसमें से हम बीबी की वीडियो काट दें और सिर्फ यही रखें ना, तो ये बंदा 7 मिनट तक ऐसी ही शक्ल बना रहा है और कभी 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 गलती से जब ज्यादा हंसी वाला सीन होना तो भाई मुस्कुरा देते हैं भाई साहब। अब एक रिएक्शन वीडियो ना 70-30 के हिसाब से चलती है। ऐसे समझो कि एक रिएक्शन वीडियो बनाना बच्चे पैदा करने जैसा है, जिसमें 30% रोल लड़के का होता है और 70% लड़की का। लड़का वो ओरिजिनल वाली वीडियो है और लड़की वो इंसान है जो उस पर रिएक्शन दे रहा है। और इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि मुठ मारा जा रहा है, लड़की का कोई रोल ही नहीं है, लड़का ही मीटर खींच रहा है वीडियो का पूरी। अब ये रिएक्शन चैनल्स कहते हैं कि भाई हमारी वीडियो में ना मेहनत बहुत लगती है, बहुत टाइम लगता है हमें बनाने में, घंटे ही लग जाते हैं। इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू एडिट down the things because it takes like couple of hours and अच्छा, आप में से जितने भी लोग एडिटिंग करते हैं उन्हें पता है भाई कितना टाइम लगता है ऐसी वीडियो बनाने में। लेकिन तब भी जिन लोगों को नहीं पता ना, सिर्फ अपनी खुशी के लिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये रही बीबी की वीडियो और ये रहा उसका रिएक्शन। मैं बताता हूँ कितना टाइम लगता है। ये है तुम्हारा रिएक्शन वीडियो। चल बजड़ी के। अब बीबी ही क्यों, टर्टल पॉन पे क्यों नहीं दिया इस बंदे ने रिएक्शन? क्योंकि बीबी ट्रेंडिंग है, टर्टल पॉन नहीं है। बीबी पे रिएक्ट करने से इस बंदे को व्यूज मिलेंगे। और क्यों मिलेंगे व्यूज? क्योंकि भाई साहब यूट्यूब का सिस्टम बर्बाद है। ये लोग टैक्स पागलों की तरह डालते हैं। भुवन बाम की पूरी जात। बीबी, बीबी की वाइंस फनी, बीबी की वाइंस रिएक्शन, बीबी की वाइंस गर्लफ्रेंड, बीबी की वाइंस बॉयफ्रेंड, बीबी की वाइंस कजन, बीबी की वाइंस अंकल, बीबी की वाइंस आंटी। अब बुरा ये नहीं है कि इन्हें व्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि ये लोग व्यूज चुराते हैं। कैसे? जब आप इनकी ये रिएक्शन वाली वीडियो देख रहे हो तो आपका ध्यान इस बंदे पे तो बिल्कुल नहीं है, बीबी पे ही है। तो एक तरह से आपने इनडायरेक्टली बीबी की वीडियो ही देख ली। तो आप फिर क्यों आप बीबी के चैनल पर जाके ये वीडियो दोबारा देखोगे? समझ रहे हो ना मेरी बात? अब मुझे ये रिएक्शन वाले कॉन्सेप्ट से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, मैंने खुद 2-4 वीडियोस बनाई है। लेकिन पता है प्रॉब्लम कहां आती है? जब ये लोग पूरी की पूरी वीडियो पे रिएक्शन देते हैं। जैसे कि अगर एक वीडियो बीबी की 7 मिनट की होती है तो वो रिएक्शन वाली वीडियो भी 7 मिनट के आसपास होगी। भाई एक तरह से जैसे आप लोग घर पे बैठ के वीडियोस देखते हैं, ये लोग भी घर पे बैठ के वीडियोस देख रहे हैं। बस फर्क ये है कि ये अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे हैं देखते हुए और यूट्यूब पे डाल रहे हैं। और हां, ये मत समझ लेना कि मैं सिर्फ इस बंदे को ही टारगेट कर रहा हूं क्योंकि मैं इसकी क्लिप्स दिखा रहा हूं। ना, इसके जैसे पता नहीं कितने सारे हैं। मेरा इन सबसे पंगा है भाई, सिंपल सी बात है। मुझे उस वीडियो पे और तुम्हारे रिएक्शन दोनों पे हंसी आनी चाहिए, एक पे आने से काम नहीं चलने वाला। और ये देखो ये क्या हो रहा है। अब जरूरी नहीं है कि सारे रिएक्शन चैनल्स बेकार होते हैं, जैसे कि ये वीडियो। इस वीडियो के अंदर जब भी इस बंदे को हंसी आती है, ये बंदा हरी मिर्च खाता है, बड़ा ही वेला है। खैर, लेकिन तब भी इस बंदे को खेलने दिया जा सकता है। लेकिन इन्हें भाई, इन लोगों को तो बैठाओ। अब हर रिएक्शन वीडियो के आखिर में ना एक डिस्कशन होता है और ये लोग भी करते हैं। एक बार सुनो इनका डिस्कशन। I enjoyed it immensely. मेरे को बहुत 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 मजा आया. I might do his new video to reaction to his new video. Just give me an order. Yeah, you should do it. If you have seen it. Because ये वीडियो के बाद अगर मैं नेक्स्ट वीडियो देखूंगा, I shouldn't be disappointed, right? I'm just kidding. I'm just kidding.
आखिर में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई तुम्हें अगर रिएक्शन वीडियोस बनानी है बनाओ, लेकिन अपना 70% का जो शेयर है ना वो मत भूलना। तुम्हारी वीडियो को सेक्स करना चाहिए, मुठ नहीं मारना चाहिए। तो भाई बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम लोग मेरी बात मानते हो यार लाइक मारो, एम तो मैं करता ही नहीं ऐसी वीडियोस में, और अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल बटन है ना वो बहुत जरूरी है यार, उसके साथ आइस वाटर खेलो, पकड़म पकड़ाई खेलो या फिर 69 पे पेल दो उसे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे किसी के सर पे ट्यूबलाइट फोड़नी है। बाय मोहित। साले बदबू आ रही है तेरे में से, नहा लिया कर कभी कभी, लगा दे कुछ अच्छा सा। पड़ गई लात तो क्या है, बनेगा नहीं।